नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। वास्तु शास्त्र में कुछ खास नियम घर में रुपए पैसे रखने के स्थान को लेकर बताए गए हैं। वास्तु के नियमों के मुताबिक घर में सुख समृद्धि के साथ बरकत पैसों की अलमारी को उचित स्थान पर रखने से आती है, साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही हमेशा अलमारी को रखें। उत्तर पूर्व कोने में कभी भी पैसों की अलमारी को ना रखें। वास्तु के मुताबिक अलमारी को उस दिशा में रखने से अशुभता आती है। कभी भी पैसों की कमी इस दिशा में रखने वाली अलमारियों से नहीं होती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा भक्तों से प्रसन्न रहेंगी। अलमारी उस दिशा में रखें जिसके दरवाजे दक्षिण दिशा की ओर कभी भी ना खुलें। दक्षिण दिशा में जिन अलमारियों के दरवाजे खुलते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती। अक्सर पैसों के मामले में ये अलमारियां खाली ही रहती हैं। वहीं ध्यान रखें कि अलमारी को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। अलमारी के नीचे एक लकड़ी का स्टैंड या कुछ और रखें। दरअसल माता लक्ष्मी का स्वरूप पैसों की अलमारी को माना गया है, इसलिए सही नहीं होता कि सीधे जमीन पर अलमारी को रखा जाए। वहीं जो छोटी सी तिजोरी अलमारी के अंदर होती है उसे भी कभी खाली न रखें। कुछ पैसे और गहने हमेशा तिजोरी के अंदर होने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का रास्ता कभी भी माता लक्ष्मी नहीं भूलती, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी बना रहता है। चांदी के सिक्के के विषम संख्या में रखें और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध कर ही रखें। इन सिक्कों और गोमती चक्र की पूजा हर साल आप दीपावली के शुभ अवसर पर कर सकती हैं। आर्थिक संपन्नता आपके घर में ऐसा करने से बनी रहेगी और हमेशा तरक्की होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।